नमस्कार। लगता है वीडियो बनाने में कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, इस कारण से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और या तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने 10 बार आपको कहा है कि मुझे नीचे वाला नंबर, मेरा पर्सनल नंबर, इस पे कॉल करने का टाइम सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक का है, फिर भी आप में से बहुत सारे लोग रात को फ़ोन कर देते हैं। मैंने आपको ये भी कहा हुआ है कि अगर रात को वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, किसी को डिस्टर्ब तो ना करिए, हम भी फैमिली वाले हैं। उसके बाद भी ये भी समझ में नहीं आता है कि आप सिर्फ हाय, हेलो, कोटेशन प्लीज, कॉस्ट क्या है, ऐसा लिख कर भेजते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे 50 से 60 वीडियो, मुझे कौन सा पता चलेगा कि आपने कौन सी वीडियो देखी। तो आपका रिक्वायरमेंट तो लिखिए कि भाई साहब मुझे 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो के इतने कैन चाहिए, इतने ब्लॉग रोज निकालने हैं, या 1 टन का प्लांट चाहिए, 5 टन का प्लांट चाहिए, 3 टन का प्लांट चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट तो लिखो भाई साहब, तो कुछ पता चलेगा मुझे कि आपको क्या चाहिए। अंतर्यामी नहीं होगा आपके इस मैसेज में हो जाएगा। फोन भी करते हो तो आप ये कहते हो कि हार्दिक भाई आप हमें बताइए कौन सा प्लांट लगा। भाई मैं क्यों बताऊँ आपको कौन सा लगाना है? आपके एरिया में आपको सर्वे करना है कि भाई कितना बर्फ हम बेच पाएंगे, आप कितना बर्फ बेचोगे, आपको कौन सी साइज चाहिए, वो आपको सर्वे करना है, माल आपको बेचना है। हम आपको सजेशन नहीं दे सकते कि माल आपको ये आप ये बेचो, नहीं चला तो आप तो मेरा गिरेबान पकड़ोगे ना। हार्दिक भाई आपने कहा था ये तो बर्फ नहीं बिक रहा, हमारे यहाँ तो बड़ा बर्फ बिक रहा है। तो पहले से ही सर्वे करो ना कि भाई आपके वहाँ कौन सा चल रहा है, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो, सारे ब्लॉक मिलते हैं मेरे पास, सारे अवेलेबल है, 24 घंटे के अंदर पूरा प्रोडक्शन सारे कैनों में है, तो आपको जो भी चाहिएगा वो मिल जाएगा। पीछे जो प्लांट बता रहा हूँ ये 10 टन का प्लांट है, इसके लिए जगह चाहिए आपको 40 फीट बाय 20 फीट, पावर कनेक्शन चाहिए इसके लिए 50 हॉर्स पावर का, बारिश के बचाने के लिए 14 फीट हाइट का शेड बना दीजिए। ये पूरा ट्रांसफरेबल प्लांट है, आप किसी भी जगह कहीं भी रख सकते हो, फ्लोरन 404 गैस पे चलता है। बर्फ की कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 50 से 60 पैसा इसका कॉस्टिंग आएगा प्रति किलो, 1 किलो बर्फ का कॉस्टिंग 50 से 60 रुपये आएगा, 8.5 रुपया यूनिट की रेट से, अगर आपके वहाँ 8.5 रुपया यूनिट की बिजली रेट चलती हो तो। लाइट, पानी, लेबर, वेबर, तमाम खर्चा मिला के मैंने आपको ये 50 से 60 पैसा दिया। अब आप उसे कितने में बेचोगे ये आपका प्रॉफिट है। मैं हथेली में चांद दिखाने का काम नहीं करता हूँ कि भाई साहब आप इतने रुपए में बर्फ बेच दोगे, मैं क्यों हथेली में चांद दिखाऊं। मैं आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दे सकता हूँ, बेचना आपको है। हर जगह बर्फ का रेट अलग होता है, हर रोज बर्फ का रेट अलग होता है, ये एमआरपी टैग नहीं है। कोई 5 रुपए का भी कोई बर्फ लेने आएगा, कोई 50 का लेने आएगा, कोई 5000 का भी बर्फ लेने आएगा, जिसको जितने का लेने की जरूरत होगी, क्या किस तरीके से आप दे रहे हो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको बर्फ बेचने का नॉलेज नहीं दे सकता हूँ, बर्फ कैसे काटा जाता है इसकी नॉलेज नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ बर्फ बनाकर दे सकता हूँ। 24 घंटे में पूरा प्रोडक्शन मिलेगा, 1 साल की मशीन की गारंटी मिलेगी, 2 साल की सर्विस मिलेगी, ये सब मैं दे सकता हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मेरे प्लांट में बर्फ नहीं जमा, आप मुझे कहो हार्दिक भी आपके प्लांट में बर्फ नहीं जम रहा है, तो मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। लेकिन मेरे प्लांट में बर्फ जम रहा है और आपका बर्फ नहीं बिक रहा है और आप बर्फ नहीं बेच पा रहे हो, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मार्केट को सबसे पहले सर्वे कीजिए, कितने किलो के ब्लॉक चल रहे हैं और कौन से ब्लॉक चल रहे हैं, उससे पहले मुझे फोन करने की कोशिश मत कीजिए। आराम से आप ये वीडियो को डाउनलोड कीजिए, सर्वे करने के बाद रिलैक्स होकर फोन कीजिए कि हार्दिक भाई हमारे पास ये चीज अवेलेबल है, वीडियो में सब बता दिया है और हमारे पास ये चीज है, अब आप मुझे रेट बताइए, तो मजा आता है बिजनेस करने में। आप डायरेक्ट, आपने मार्केट सर्वे नहीं किया और डायरेक्ट मुझे फोन कर दो, हार्दिक भाई आप बता दीजिए मैं कौन सा ब्लॉग लूँ, तो मुझे ऐसे व्यक्ति बिल्कुल एलर्जी है, मैं उनके साथ बिजनेस कभी नहीं करता हूँ। हाँ, फिर आपको अगर ऐसे सलाह ले और ऐसा करना है तो मैं आपको लोन कभी नहीं दूंगा, क्योंकि जब आपको नॉलेज लेने की इच्छा ही नहीं हो और मैं सिखाने जाऊँ और मेरा ही पैसा लगाऊँ, तो वैसा काम मैं नहीं करता हूँ। इसलिए सोच समझ के बिजनेस कीजिए। धन्यवाद।